आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि है अक्टूबर प्रेडिक्शन 10-10 पोर्टल का प्रेडिक्शन आप सबके लिए। तो यहाँ पे तीन पिक्चर्स है जो कि बिल्कुल अलग पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट किया है आप सबके लिए। जो भी आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा हो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। आप एक से ज्यादा पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे अपनी रीडिंग्स में। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी रीडिंग्स में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है देखते हैं आपके साथ अक्टूबर में क्या होने वाला है। डिवाइन ओके अक्टूबर के लिए वर्ल्ड कार्ड, एम्परर कार्ड और है 6 ऑफ सोर्स कार्ड आया है। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अक्टूबर में आप ज्ञान के सागर में डूबने वाले हो। ओके ज्ञान का सागर जो है उसके तरफ आप अक्टूबर में जा रहे हो। ओके तो एक स्ट्रांग कंट्रोल आपके लाइफ में आने वाला है। ओके आपके लाइफ में जो भी सर्कल था उस सर्कल में एक नया शिफ्ट जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। ओके तो जो भी आपका विश था जिसको आपने बहुत ही टाइम से आपने प्राप्त करने की कोशिश किया है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है उस चीज़ में। ओके और आपको लग रहा था कि डेस्टिनी आपके अगेंस्ट है, कुछ भी आपके साथ नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ आपके गुड कर्मास की वजह से अचानक ही सारा जो है डेस्टिनी का जो खेल है वो आपके तरफ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक शिफ्ट होने वाला है। ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई मेजर जो ब्लॉकेज था आपके लाइफ में वो चला जाने वाला है इस अक्टूबर में। ओके जैसे कि कोई माउंटेन था जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, कोई एक ऑब्स्टिकल था जिसको आप पार नहीं कर पा रहे थे। ओके उसको आप पार करेंगे अक्टूबर में। ओके तो यहाँ पे कोई आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई आपको प्राइज गिफ्ट मिल सकता है एज एप्रिसिएशन। ओके क्योंकि आपके लिए मुझे एक दिखाई दे रहा है कि बहुत ही एक रिकॉग्निशन का एनर्जी आ रहा है आपके लिए। लोग कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं लोग, शायद लेटर हो सकता है, पैकेज हो सकता है या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है। और ये एक करारा जवाब है आपके दुश्मनों के लिए जो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं कि आपका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ का टाइम जो है वो शिफ्ट होने वाला है, आपके अंदर के डिज़ायर्स अक्टूबर में पूरा होने वाला है। ओके या फिर आप अपने डिज़ायर की तरफ आप क्लोज़र आप अपने टारगेट की तरफ आप मुड़ रहे हो। ओके और जो टाइमलाइन है जहाँ पे आप अपने चीज़ों को प्राप्त करेंगे वो बहुत ही क्लोज आ रहा है। अक्टूबर एक स्मॉल टाइम पीरियड है आपके लाइफ में जहाँ पे आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपके लाइफ का जो स्पीड है वो बढ़ा देगा। ओके शायद वो चीज़ शायद अक्टूबर में आप रिसीव नहीं करने वाले हैं, शायद दिसंबर में हो सकता है दिसंबर, लेकिन फिर भी जो है वो टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं अक्टूबर के आसपास है। क्योंकि अक्टूबर में कुछ एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आप कर रहे हो आपके एनर्जी को लेकर। ओके तो यहाँ पे ग्रेट गेन और आपका जो टैलेंट है उस पर काम करने की जो आपकी कोशिश है उसको दिखाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन अक्टूबर आप अगर अपने काम पे फोकस रहेंगे और आप यहाँ वहाँ की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप अपने काम पे पूरा फोकस्ड करके अगर करेंगे चीज़ों को, ओके फुल्ली फोकस्ड सरेंडर्ड, ओके दोनों हाथों से, ओके दोनों आँखों से, ओके अपने सारे ऑर्गन्स को जो है एक ही डायरेक्शन पे लगाना, ओके और किसी और चीज़ के बारे में ना सोचना, ये आपके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ रहा है। ओके अगर आप ये कर सके, ओके आप मल्टीटास्किंग ना करके एक ही चीज़ पे पूरे ध्यान और फोकस से अगर काम करेंगे तो अक्टूबर एक मिरेकल मंथ है आपके लिए। तो कुछ और मैसेजेस देखते हैं डिवाइन अक्टूबर में पाइल नंबर 1 के साथ क्या होने वाला है। फ्लावर्स और बेल, तो अनाउंसमेंट कुछ होगा आपके लाइफ में जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फाइनली आपको मौका मिल रहा है कहीं पे पार्टिसिपेट करने का,
फाइनली आपको मौका मिलना है, मौका मिल रहा है किसी एक नेगेटिविटी को ब्लॉक करने का। ये नोटिफिकेशन शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो आपके मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो कोई भी एक गुड न्यूज़ का आना, ये आपको बताया जा रहा है कि ये गुड न्यूज़ आने का संकेत है। और फ्लावर उसके साथ का एनर्जी है, जब भी कोई मैसेज आता है उसके साथ साथ इमोशंस भी आता है, तो ये फ्लावर जो है इमोशंस के बारे में बता रहा है कि साथ ही साथ आपको बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस भी फील होने वाला है अक्टूबर में, जो कि है हैप्पीनेस का इमोशन, जो कि है एक फ्रेश एयर में ब्रीथ करने का हैप्पीनेस। फाइनल एक एडवाइस कार्ड लेते हैं आपके लिए, पाइल नंबर वन। डिवाइन एक एडवाइस कार्ड दीजिए पाइल नंबर वन के लिए। पाइल नंबर वन को क्या करना है अक्टूबर में, एक एडवाइस दीजिए पाइल नंबर वन को। ओके, मून जो कि है चेंजेस इन लाइफ, तो आपको रेडी रहना है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। शायद एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शन में आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, और आपको बैठे नहीं रहना है, आपको एक्ट करना है, आपको काम करना है। यहाँ पे आप एम्परर को देख सकते हो कि एम्परर बैठा हुआ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर इतने सारे काम कर रहा है जो हम लोगों को पता भी नहीं है। ओके, तो आपको फुल कंट्रोल में रहना है, एक्शन लेना है, और अपनी लाइफ में चेंजेस से डरना नहीं है। तो यही आपके लिए मैसेज है अक्टूबर के लिए। तो पाइल नंबर वन प्लीज़ टाइप कीजिए इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्ट। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरी कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके साथ अक्टूबर में क्या होने वाला है, चाहे जो भी साल का अक्टूबर हो, आपके साथ अक्टूबर में क्या होने वाला है। ओके, अक्टूबर में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप जिस चीज़ को भूल चुके थे, जिस चीज़ में आपने जो है अंत स्वीकार कर लिया था, उस चीज़ में आपको फिर से वो एनर्जी मिलने वाला है, उस चीज़ में लड़ने का आपको होप मिलने वाला है। ओके, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था जिस पे आपने कंप्लीट डिफीट आपने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन शायद उसमें होप था। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ फिर से स्टार्ट करोगे, आप बहुत बोल्ड होने वाले हो अक्टूबर में, और ये एनर्जी एक स्टार्टिंग एनर्जी है अक्टूबर के पीरियड से। आप कुछ ऐसे काम करने वाले हो जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू लर्निंग्स होने वाला है, टीम वर्क होने वाला है, आप दूसरों के साथ टीम की तरह काम करोगे, उन लोगों के सीखोगे, आप अपना हार्डवर्क जो है वो भी और भी इंक्रीज करोगे। ओके, तो लर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए अक्टूबर के लिए। ओके, लर्निंग और टीम वर्क, ओके, ये होने वाला है। आप इस जो डिवास्टेटेड एनर्जी है जहाँ पे आपने होप लॉस किया था, उससे आप उठने वाले हो, तो होप भी एक बहुत ही एक स्ट्रांग वर्ड है आपके लिए अक्टूबर के लिए। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में एक ब्रेक जो है, ओके, वो अक्टूबर में आ रहा है। अक्टूबर आपके लिए एक ब्रेक पीरियड है, इस फाइनल हार्ड ब्रेक से, ओके, उभरने का एक ब्रेक पीरियड है। ओके, जो फाइनल आपके लाइफ में एक अग्नि परीक्षा जो आपके साथ हुआ था, ओके, आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया जहाँ पे आपका लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट आपने दिया है, आपका परीक्षा आपने दिया है, आपने अपना लाइफ का एग्ज़ाम दिया है। ओके, उस एग्ज़ाम में मेंटली आप बहुत टायर्ड हो गए थे, तो अक्टूबर आपके लिए एक वेकेशन पीरियड है। तो कुछ लोग अक्टूबर में कहीं पे घूमने जा सकते हैं, या फिर ये मेंटल वेकेशन है। इस पीरियड ऑफ पेन से आप उभरने वाले हो इस अक्टूबर में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर जो है वो, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ एक सेंटेंस में, तो जब सूरज का जो पहला किरण है हम देखते हैं, तब शायद हम उतना एक्टिव नहीं होते, लेकिन हमें पता है कि आगे जाके, आगे शायद कुछ घंटों में हमारे लाइफ में इस दिन की शुरुआत होने के बाद, शायद एक दो घंटे के बाद, हम शायद बहुत कुछ करने वाले हैं। हमको ये पता होता है जब सूरज का किरणों की रोशनी हमारे घर के आजू बाजू में गिरता है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आपके लाइफ में सनराइज का जो थोड़ा बहुत रेज है वो आपको फील होने वाला है, और आपको पता चलेगा कि अक्टूबर के बाद आपके लाइफ में एक फुल स्पीड आने वाला है।
ओके, शायद अक्टूबर में वो स्पीड आप पकड़ ना पाए, ओके, लेकिन अक्टूबर ज़रूर आपको एक ब्रेक पीरियड दे रहा है, आपको एक एक चांस दे रहा है अक्टूबर। अक्टूबर को मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो ये होप का मंथ आपके लिए है, पाइल नंबर टू। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी एक डेस्टिनी ने आपको टेस्ट किया था, आपको एक ऐसे कंडीशन में आपको छोड़ दिया था डेस्टिनी ने, ओके, उससे आपको उभरने का एक लेसन आपको मिलेगा। आपके लाइफ में एक बहुत ही लर्निंग पीरियड अक्टूबर है, ओके, आप सीखोगे कि कैसे निकलना है सिचुएशन से, कैसे भूलना है अपने पेन को, ओके। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपके दोस्त आपको मदद कर सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको पुश करे किसी एक नए शुरुआत की तरफ, ओके, और आपको पॉइंट आउट करे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको क्या करना है। तो आपका कोई दूर का रिश्तेदार या दूर का कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको पुश करेगा इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पाइल नंबर टू देख रहा है, आपके लाइफ में बहुत सारा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ है, ओके, कुछ कार्मिक लेसन्स आपने लर्न किया है, ओके, आपके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, ओके, या फिर इस प्रेजेंट लाइफ कर्मा की वजह से आपको बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करने को मिला है, ओके, या फिर कोई दूसरा इंसान की वजह से आपको फेस करना पड़ा, लेकिन लेकिन 100% मुझे एनर्जी आ रहा है इस रीडिंग से कि इस ग्रुप को बहुत ही पेन फेस करना पड़ा, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा चिल्लाया और उस पेन को आपने अपने आवाज़ के थ्रू ही आपने रिलीज़ किया, ओके, इस पेन को आप अंदर रख नहीं पा रहे थे, ओके, और मुझे लग रहा है कि आपने मेडिटेशन का सहारा भी लिया है, ओके, और आपने इस पेन को एक जो है अपना तलवार बनाया है और इस पेन को लेके आप आगे चले हो अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए, ओके, आप दूसरों के जो विक्टिम मेंटालिटी है उससे आप बहुत दूर हो, ओके, आप जानते हो कि विक्टिम मेंटालिटी ये एक कंसेप्ट जो है ये आपके लाइफ में नहीं है, ओके, और आप दूसरों को अपने ऊपर उंगली उठाने नहीं देते हो क्योंकि आपने बहुत फेस किया है पहले ये सब चीज़ें, ओके। तो आपके लिए एडवाइस जो है पाइल नंबर वन से बिल्कुल मिलता जुलता एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने पाथ में ही रहना है, पूरी फोकस के साथ आपको कहीं और कंसंट्रेट नहीं करना है, ओके, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, इस टाइम पे आपको पूरी ध्यान जो है अपने काम पे देना है और आपके दोनों हाथ कान पैर हर चीज़ को एक ही काम पे यूटिलाइज करना है फुल फोकस के साथ। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है और मैं आपको एक लीडर की एनर्जी में देख रही हूँ पाइल नंबर टू, ओके, जहाँ पे एक लीडर जो है डायरेक्शन देता है, ओके, तो मैं आपके हाथों में तलवार देख रही हूँ जहाँ पे आप अपने हाथों से कुछ एक चीज़ होल्ड करके आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, ओके, तो एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है आपके पास पाइल नंबर टू, ओके। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं जानने के लिए आपके साथ अक्टूबर में क्या होने वाला है, ओके, मुझे लग रहा है कि ये कार्ड्स ज़्यादा जल्दी आ गए, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यही बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए है, मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए और शायद कुछ इमेच्योर पीपल आपके आसपास हो सकते हैं या फिर ये चाइल्ड भी हो सकता है जो आपको आपके लाइफ से कनेक्टेड है, या फिर ये फ्रस्ट्रेशन कार्ड भी आ गया, ओके, तो देखते हैं एक्चुअली में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, ओके, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दीजिए कि कार्ड आया है, देखते हैं क्या है। कम्युनिकेशन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि आपको कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, अगर आप सीखना चाहते हैं किसी से कुछ तो आपको कंस्टेंटली अपने आप को पुश करना है, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना है, उन लोगों को मैसेजेस भेजना है, उन लोगों को पूछना है क्वेश्चन, और आपको तो कुछ मिरेकल वर्ड्स हमेशा बोलना है जो कि है आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब वर्ड आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है अपने लाइफ में, ओके। तो आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में फैमिली रिलेटेड कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, ओके, और फैमिली रिलेटेड आप शायद कुछ एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाना, ओके, कहीं पे सेलिब्रेट करना, कुछ वेकेशन इन टाइम इंजॉय करना, ये सब आप कर सकते हैं,
लेकिन हम कुछ कंफर्मेशन कार्ड लेते हैं डिवाइन। पाइल नंबर टू के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको केयरफुल रहना है पैसे को लेकर। ओके, आपको बैलेंस करना है कि आप ऐसे ही पैसा खर्चा नहीं करते हैं, आप बैलेंस करते हैं। आप कुछ भी खर्चा करते हैं तो आप 10 महीने पहले के पहले से ही आप सोच के रखते हैं कि मुझे ये पैसे की ज़रूरत हो सकता है फ्यूचर में। तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ऐसे ही खर्चा मत कीजिए, ये आपके लिए एक एडवाइस की तरह आ रहा है। ओके, तो दूसरा कुछ कार्ड्स लेते हैं डिवाइन। पाइल नंबर टू के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? अक्टूबर में क्या होने वाला है उन लोगों के साथ? डिवाइन पाइल नंबर टू के लिए आप क्या बताना चाहते हैं अक्टूबर में क्या होने वाला है? ओह माय गॉड, फैमिली मैटर्स आ गया कार्ड। तो आपको बताया जा रहा है कि या यस, ये फैमिली रिलेटेड बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है अक्टूबर में। तो फैमिली रिलेटेड कुछ डिसीशंस आप श्योरली लोगे। शायद ये क्विक डिसीशन नहीं है, लेकिन आप स्लोली स्लोली उसके बारे में सोचोगे। तो ये स्लो डिसीशन आप कुछ ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, शायद आप अपने घर को छोड़ के कहीं पे जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीशन आपके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। तो पाइल नंबर टू, प्लीज़ टाइप कीजिए इन द कमेंट सेक्शन दैट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माई लाइफ इज ओवर नाउ, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरे कुछ वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर थ्री सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, अक्टूबर में क्या होने वाला है उन लोगों के साथ, अक्टूबर में क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा स्टार्ट किया था जो पहले पहले काम नहीं कर रहा था, शायद मार्च मंथ का एनर्जी है। आपने मार्च में कुछ स्टार्ट किया था और आपने उस चीज़ पे लगातार काम किया, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ओके, आपने उस चीज़ में एक डिफीट जो है एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, और या फिर आपने उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही लाइटली लिया था। ओके, और आपने सोचा कि ये बहुत ही ईजी है मेरे लिए। तो शायद ये दोनों एक्सट्रीम्स से कोई एक एक्सट्रीम है, जहाँ पे आपने किसी चीज़ को बहुत लाइटली लिया होगा, या फिर एक दूसरा सिचुएशन जहाँ पे आपने चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट सोचा हो, जहाँ पे आपको लगा कि सब कुछ इम्पॉसिबल है। तो ये दो एक्सट्रीम एनर्जीज है, यहाँ पे आप दो एक एक्सट्रीम एनर्जी में थे। शायद कुछ लोग यहाँ पे चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, इसलिए उन लोगों को डिफीट मिला है इस सिचुएशन में, और कुछ लोग यहाँ पे चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट मान रहे थे, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल हुआ इस चीज़ में सक्सेस प्राप्त करने में। ओके, तो मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है पाइल नंबर थ्री कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं मेंटली। ओके, इस जर्नी के लिए ये जर्नी बहुत, मुझे लग रहा है ये 12 मंथ का जर्नी था आपके लिए, ये साल भर का जर्नी था आपके लिए, और इस जर्नी में आपने एक बहुत ही ज़्यादा एक क्लीनिंग प्रोसेस अपने लाइफ में किया है। क्योंकि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से हटाया है इस दौरान, शायद मार्च से शुरू हो के अक्टूबर तक आपने कुछ अपनी लाइफ से हटाया है, आपने कुछ एक नया खड़ा किया है अपने लाइफ में। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ हुआ आपके लाइफ में, ये चीज़ आपको यूनिवर्स ने भेजा है आपके लाइफ में। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए था आपके लाइफ से, वो यूनिवर्स ने हटा दिया है। ओके, तो आपको फॉरगिव करना है लोगों को, चीज़ों को, ताकि आप ये नया जो चैप्टर है अपने लाइफ में उसको वेलकम कर सके। इसलिए आपको ये पुराना चैप्टर को भूलना पड़ेगा, यही आपको बताया जा रहा है कि ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप चीज़ों को भुला के नया शुरुआत करना चाहते हो कि नहीं। ओके, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि यह एक छोटा बच्चा जो है वो सारी ज़िंदगी अपना लगा देता है चीज़ों को सीखने में। ओके, लेकिन पल भर में सारे जो मेहनत है वो पानी में बिखर सकता है। ओके, वो ऐसे ही वेस्ट पे चला जा सकता है अगर हम लर्निंग प्रोसेस को सीरियस नहीं ले लेते। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव करना सीखिए, और फॉरगिवनेस से ही आपके लाइफ में नए डेवलपमेंट्स आएंगे। ओके,
तो आपको बोला जा रहा है कि इस जर्नी में आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मदर एनर्जी का बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। माँ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गाइडेंस को कितने स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, उस गाइडेंस को आप कैसे लेते हैं। माँ ने आपके तरफ वो एनर्जी सेंड किया है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपकी तरफ वो एनर्जी सेंड किया है, लेकिन आप रिसीव करने के लिए तैयार हो कि नहीं, यही आपको इस रीडिंग में बताया जा रहा है। कि अक्टूबर मंथ में आपको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पिरिट गाइड्स और आपके गार्जियन एंजल्स, इवन माँ भी आपको वो प्रोवाइड करेंगी। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो, अपने लाइफ में लर्न करने के लिए यूज़ करते हो, या फिर आप वो पुराने साइकिल में ही चलना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे एक एक इंसान का होल लाइफ चैप्टर जो है वो छोटे बच्चे से बड़ा होने का जो चैप्टर वो दिखाया जा रहा है इस रीडिंग में। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना है। ओके, आपको रिस्क लेना है, आपको दूसरे को फर्गिव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको चैप्टर को भूलना है, एक ही चीज़ को बार बार अपने माइंड में सोचना नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है तो उसको आपको भूलना है। ओके, अगर आप ये लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, अगर आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, तब आप ये नए चैप्टर पे नहीं जा सकोगे। अगर फियर ही आपके साथ अटैच होगा तो फियर से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके, फियर ही आपको अटका के रखेगा। तो इस रीडिंग में आपको बोला जा रहा है कि सॉरो आपके लाइफ में इसलिए है क्योंकि फियर है और फर्गिवनेस नहीं है। ओके, तो फर्गिव करना सीखिए पाइल नंबर 3। तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हो डिवाइन। आप ओके, आपके लिए कार्ड आया है कि लोनली ड्रैगन। तो आपको शायद बहुत लोनली फील हो रहा है। ओके, आप जिंदगी को उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कुछ पास पेन आपने जकड़ के रखा है, आपने किसी को फर्गीव नहीं किया है। ओके, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज़ को। ओके, आप किसी चीज़ को भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पे। ओके, कि मेरे लाइफ से ये चीज़ हट सकता है, मैं नया एक शुरुआत कर सकती हूँ। तो वो जो बिलीव है, ओके, वो स्ट्रांग बिलीव सिस्टम आपके लाइफ में आपको लाना है। ओके, और आपको बताया जा रहा है कि सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को। ओके, शायद आप लाइफ को बहुत यूनिकली सेलिब्रेट कर सकते हैं। लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए हर टाइम आपको फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लाइफ को भी बहुत आसानी से इंजॉय कर सकते हो। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आप दूसरों के साथ बैठ के उन लोगों के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन कीजिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। ओके, हर टाइम आपको जो है एक सपनों का महल नहीं बनाना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको बाहर निकलना है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, आपको अपने अंदर की जो जो आपने एक दुनिया बनाया है उससे बाहर निकल के आप कुछ नए जगह पे आपको जाना है, नए इन्वायरमेंट में आपको जाना है, तभी आप इस माइंडसेट से बाहर निकल पाएंगे और तभी आप देखोगे कि अपने लाइफ में आपके साथ कितने अमेजिंग चीज़ें हो रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ से ही एक टाइम निकाल के आप दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करोगे, तब आपको अपने लाइफ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं डिवाइन पाइल नंबर 3 के साथ अक्टूबर में क्या होने वाला है। तो दूसरा कार्ड है ओके, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो मैंने आपको बोला था कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, आपको स्पिरिट गाइड सपोर्ट कर रहा है, आपको जो है देवी सपोर्ट कर रहा है, माँ सपोर्ट कर रहा है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि डिविन डिवाइन जो एनर्जीज है उसका फुल सपोर्ट आपकी तरफ है। ओके, गॉडेस एंड गॉडेसेस का आपको पूरा सपोर्ट है। ओके, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया ये भी जा रहा है कि अगर आप अपने अंदर ही वो एनर्जी को ढूंढेंगे, ओके, आप अपने अंदर ही डिवाइन को ढूंढेंगे, तब वो आप जो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे आपको हेल्प मिल रहा है वो आपको समझ में आएगा। ओके, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तब आपको डिवाइन का हेल्प समझ में आएगा,
तब आप इस इल्यूशन से निकल पाएंगे कि सब कुछ आप ही करते हो। आप इस इल्यूशन से निकल पाएंगे कि आप जो है अपने लाइफ में जो भी करते हो वो सिर्फ आपका डिसीजन है। आपको समझ में आएगा कि जो भी होता है आपके लाइफ में उसमें यूनिवर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। यूनिवर्स आपको चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही उससे निकाल देते हैं। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी होता है वो थोड़े में ही आप उसे निकल पाते हो। ओके, तो पाइल नंबर 3, प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज सपोर्टिंग मी, थैंक यू माँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी दूसरी कुछ और वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।